हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हिम्मत की चैन दुनिया तो में। आज मैंने पास्ता का एक सिंपल सा रेसिपी लेके आई हूँ जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा और अच्छा लगता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलते ही बनाते हैं कुछ। तो दोस्तों मैंने ले लिया है 1/2 किलो पास्ता और देख रहे हैं आप लोग ये पास्ता मैंने लिया है और ये लगभग 1/2 किलो है। तो दोस्तों मैंने ये ले लिया है इंग्रेडिएंट और इंग्रेडिएंट में मैंने काफ़ी सिंपल सा रखा है कैप्सिकम, प्याज और टोमेटो। मेरा पास्ता बॉईल हो रहा है और मैंने थोड़ा सा यहाँ रिफाइंड ऑयल दे दिया है ताकि ये ना चिपके। तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग और बीच बीच में आप लोग इस तरह चलाते रहिए और बीच बीच में आप लोग ये चेक करते रहिए ताकि ये ना चिपके। जो देख रहे हैं आप लोग ये चेक करते रहे ताकि ज़्यादा पक जाने से फिर ये चिपक जाता है। तो मेरा आई थिंक ये हो चुका है मेरा, तो इसे मैं अब छक लेती हूँ। पहले मेरा पास्ता बॉईल हो चुका है तो मैंने ये ले लिया है एक कढ़ाई और कढ़ाई में मैं दे रही हूँ अभी रिफाइंड ऑयल और आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हैं। देखिए आप कितने ऑयल खाते हैं तो लेते हैं। और तो मैंने ये प्याज लगा लिया है देख रहे हैं, इसे अच्छे तरीके से भून लेती हूँ ताकि इसका प्याज का जो स्वाद है वो आ सके। तो मेरा प्याज भून चुका है और इसमें मैं दे रही हूँ अब कैप्सिकम और देख रहे हैं आप लोग इसे कैप्सिकम भी लगा के इस तरह चलाइए धीरे धीरे। और उसके बाद ये इसे थोड़ा सा पकने देते हैं और कैप्सिकम को आप लोग थोड़ा कच्चा भी रख सकते हैं पर मैंने इसमें थोड़ा अच्छे तरीके से पकाया है ताकि ये मिल जाए। और आप लोग देख सकते हैं अपने अनुसार थोड़ा कच्चा भी रख सकते हैं। तो मैंने ये ले लिया टोमेटो और टोमेटो को भी अच्छी तरीके से भून लेती हूँ ताकि ये पक जाए अच्छे तरीके से और अच्छा लगता है पकने से। तो देखिए आगे तो मेरी टोमेटो पक रहा है मेरा और इसमें मैं दे देती हूँ अब स्वाद अनुसार नमक। आप लोग भी अपने अनुसार दे सकते हैं नमक और थोड़ा सा मैंने हल्दी दे दिया है। तो ये दे दिया है मेरा, ये पक चुका है अभी टोमेटो और इसमें मैं दे देती हूँ थोड़ा चिल्ली पाउडर। और तो दोस्तों मेरा टोमेटो भी पक चुका है और कैप्सिकम भी ज़्यादा ही पक चुका है तो मैं इस तरह ही देती हूँ। तो देख रहे दोस्तों मैंने काफ़ी सिंपल सा रेसिपी आप लोगों के सामने शेयर किया है और आप लोग किस तरह कोई मैंने देख रहे आप लोग कोई सोया सॉस कोई टोमेटो सॉस अभी तक नहीं दिया है और सिर्फ मैंने टोमेटो और कैप्सिकम और प्याज और थोड़ा सा मिर्च पाउडर लेके ये पास्ता बनाया है। तो आप लोग भी इस तरह ट्राई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा बनता है इस तरह सिंपल सा पास्ता और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। काफ़ी अच्छा बन काफ़ी टेस्टी हुआ है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे बना के। और आप लोग भी इस तरह सिंपल रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा बना है आपका। और इसे अच्छे से चलाते हैं दोस्तों और इसे थोड़ा बीच बीच में चलाते रहना चाहिए। और देख रहे हैं मैंने फ्लेम थोड़ा सा हाई दिया है और अभी मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ फ्लेम को। तो मैंने कम कर दिया है और इस तरह आप लोग चलाते रहिए बीच में ताकि ये ना चिपके। और तो दोस्तों लगभग मेरा हो चुका है पास्ता और ये रहा मेरा पास्ता रेडी हो चुका है। तो आपको कैसा लगा दोस्तों ये सिंपल सा रेसिपी और ये तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, वाओ काफ़ी यम्मी हुआ है। तो मैं ट्राई करने जा रही हूँ दोस्तों, तो चलिए आप लोग भी जाइए और जल्दी जल्दी से बना लीजिए ये सिंपल सा रेसिपी। और थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।